बिग बॉस 13 का 15 फरवरी को फिनाले है। फिनाले में इस बार चार नहीं बल्कि छह फाइनलिस्ट हैं, जो कि हैं रश्मि देसाई, पारस छाबड़ा, आरती सिंह, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज और शहनाज गिल। मेकर्स ने बिग बॉस 13 के फिनाले के लिए 15 फरवरी यानी कि शनिवार की तारीख तय कर ली है। पहले खबरें थी कि शो को दो हफ्ते के लिए और आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इस हिसाब से शो का ग्रैंड फिनाले 15 फरवरी को ही हो रहा है। बिग बॉस में कंटेस्टेंट को उनकी जर्नी भी दिखाया जाना शुरू हो गया है। इस जर्नी को देखकर कंटेस्टेंट काफी भावुक हो गए हैं, क्योंकि शो में कई कंटेस्टेंट शुरू से बने हुए हैं और अपने आखिरी हफ्ते में भी वैसे ही मौजूद हैं। ऐसे में कंटेस्टेंट्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ग्रैंड फिनाले में इस बार कई खास डांस परफॉर्मेंस होने वाली है। सिद्धार्थ यानी कि सिद्धार्थ और शहनाज की खास और रोमांटिक डांस परफॉर्मेंस ऑडियंस को देखने को मिलेगी, जिसके लिए शहनाज और सिद्धार्थ ने रिहर्सल करना भी शुरू कर दिया है। वहीं आसिम रियाज के साथ हिमांशी खुराना की खास डांस परफॉर्मेंस है, जिसके लिए हिमांशी भी बिग बॉस के घर में पहुंच चुकी हैं। पारस छाबड़ा और मायरा शर्मा का डांस परफॉर्मेंस भी रखा गया है। यही वजह भी है कि मायरा शर्मा अभी तक फिल्म सिटी से बाहर नहीं आई है। इसके अलावा रश्मि देसाई का सोलो डांस परफॉर्मेंस रखा गया है। शेफाली जरीवाला को भी डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया है। शेफाली जरीवाला को फिनाले परफॉर्मेंस के लिए काफी अच्छी फीस दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सभी कंटेस्टेंट्स की डांस परफॉर्मेंस आज यानी कि 14 फरवरी को ही शूट कर ली जाएंगी। डांस परफॉर्मेंस के दौरान ही आज दो इविक्शन भी हो जाएंगे, यानी कि कल 15 फरवरी के लिए घर में सिर्फ चार ही कंटेस्टेंट्स बचेंगे। जहां तक खबरें हैं, आज डांस परफॉर्मेंस की शूटिंग के दौरान आरती सिंह और पारस छाबड़ा का इविक्शन हो जाएगा। वहीं टॉप फोर में जो बचेंगे वो हैं रश्मि देसाई, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज और शहनाज गिल। शहनाज गिल को पहले टॉप टू में देखा जा रहा था, लेकिन जब से उनके स्वयंवर वाले शो का प्रोमो आया है उससे फैंस काफी ज्यादा नाराज हैं। पिछले चार महीनों से ऑडियंस शहनाज की जोड़ी को पसंद कर रही है, ऐसे में शहनाज का स्वयंवर फैंस को नहीं भा रहा है। वहीं शहनाज की फैमिली का कहना है कि ये सब शहनाज को हराने के लिए किया जा रहा है, ताकि शहनाज शो न जीत पाए। वैसे देखा जाए तो शो के प्रोमोज से शहनाज को नुकसान तो हुआ है। हालांकि शहनाज को इस प्रोमो से कितना नुकसान हुआ है ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि जहां तक मेकर्स की स्ट्रेटेजी नजर आ रही है, मेकर्स रश्मि देसाई को टॉप थ्री में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि शहनाज को आउट कर दिया जाए। वहीं वोटिंग शेयर के लिहाज से देखा जाए तो फिनाले में आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच टक्कर होगी और इन दोनों में से कोई एक ही विनर होगा। जहां तक माना जा रहा है सिद्धार्थ शुक्ला ही इस सीजन के विनर होंगे, क्योंकि उनका वोटिंग परसेंटेज बाकी सभी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। हालांकि फिनाले अभी शूट नहीं हुआ है, ऐसे में विनर के नाम पर कुछ भी कहना अभी गलत होगा। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।